प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 सितंबर 5 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके आज सोमवार को। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, अपने आंखों के पुतले के समान हमें रखा, हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे, हमें परमेश्वर ने गिरने से बचाए रखा, हमें उबारा, उसके लिए धन्यवाद दे। आरोग्य से चंगाई के साथ रखा, हमारी जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता। समाधान के साथ सोकर प्रभु आपने आशीषित किया, समाधान दिया, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। सब चीज के लिए धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद, 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 हालेलुया। आज के दिन आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का प्रभु ने हमें ये जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद। आज हमें जयवंत हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 75 के पहले वचन में कहते हैं कि हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। और अगर हम 6 और 7 में पढ़े तो उसमें लिखा है कि क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। और अगर 9वें वचन में पढ़े तो लिखा है कि परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हम भी परमेश्वर का भजन गाते रहे मेरे प्रिय लोग। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, जिसे वचन कहता है कि आपके और जिसने भी दृष्टि लगाई हो कभी लज्जित नहीं हुए, लेकिन वो जयवंत आगे बढ़े हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हम भी आप में जयवंत हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु, धन्यवाद, आपने पिछले दिन और रात सुरक्षित रखा, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ जगाया। प्रभु, आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनके भवन में प्रभु आपके खुशी से भर जाए, हम प्रार्थना करते हैं। इनके नौकरी के जगह प्रभु आशीष और आप उनको बढ़ोतरी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनकी सभी जरूरतों पर प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज कोई भी रोग से अगर पीड़ित हो, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन में से उनको छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। मेरे प्रिय लोग, आपको जहां पर भी रोग है पे हाथ रखे, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। पिता, यह इन्होंने जहां पे भी अपना हाथ रखा है, वहां पर प्रभु आपकी शक्ति यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो, यीशु मसीह के नाम से वहां पे चंगाई हम घोषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई और स्वास्थ्य हम इनके शरीर में भेजते हैं। हालेलुया, अद्भुत चंगाई देने के लिए धन्यवाद, अद्भुत छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। उनके अस्थियों में जो भी, हड्डियों में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, उनके हड्डियों में आपने चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद। जॉइंट पेन्स आपने दूर किया, उसके लिए धन्यवाद। आपका असाधारण चंगाई आज के दिन वो अनुभव कर सके। हालेलुया, जिनको नौकरी नहीं है आप रास्ता खोल दे, पारिवारिक जीवन में प्रभु आप समाधान से भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बच्चों के एडमिशन के विषय में आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया, इनके सबके जरूरतों पर प्रभु आपने अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें, असाधारण तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से, अपने महिमा से भरते हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रिय लोग, आज शाम को हमारा मीटिंग रहेगा इंडियन समय 9:30 बजे, तो जरूर आप उसके भागी बने। हालेलुया, निश्चय तौर से ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। बिना भूले मीटिंग के आशीष के लिए भी जरूर प्रार्थना करें और दूसरों को भी आमंत्रित करें। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आशीषें दी हैं ये मीटिंग के द्वारा, वो आप दूसरों को भी बताएं। वैसे उस गवाही के द्वारा हम हजारों हजारों के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर हमें तैयार करें। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे, जो हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार अच्छे से हमने सीखा भी है, और यहाँ पे आज पवित्र आत्मा हमें फिर से इसमें से सिखाना चाहते हैं। भजन संहिता 46
इसका पहला वचन हालेलुया कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। इसलिए हाथ उठाकर कहे, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। आंखों को बंद करके कहे, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारे दर्द में, हमारे परेशानियों में, हमारे भार में, सबसे करीबी में हमारा जो सहज से मिलने वाला कौन है, वो हमारा परमेश्वर है जो हमारा सहायक है। हालेलुया। ये वचन जो है हमेशा हमेशा के लिए है मेरे प्रिय लोग। ये वचन कभी बदलता नहीं है। इस दुनिया में या हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए तो भी परमेश्वर के वचन कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का ये वचन हमेशा हमेशा के लिए पूरा होता है कि वो हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। काफ़ी बार हम ये वचन के आशीष को अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है। लेकिन उसका जो परिहार आज पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर अगर शरण स्थान बल है तो कुछ भी हो जाए मैं टलूंगा नहीं। कि वहाँ पर अगर पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए तो भी मैं कभी भय में नहीं जाऊँगा। इतना ज़्यादा भरोसा यहाँ पे दाऊद को होता है। हालेलुया। इतना ज़्यादा वहाँ पर परमेश्वर के जनों को है। इसलिए वो कहते हैं कि समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, लेकिन फिर भी मैं डरूंगा नहीं। और हम अगर इसी चीज़ को अगर अनुभव करना है तो मेरे प्रिय लोग, हमें तीन चीज़ें हमें करना है। पहली चीज़, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का ये जो वचन जो बाइबल में जो लिखा गया है वो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन है करके हम इसको माने मेरे प्रिय लोग। इस बात की बोध से हम बैठे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कि परमेश्वर आपका शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस बात का बोध अगर आपको होगा, जिस तरीके से यहाँ पर संगीतकार को बोध आता है, इसलिए वो कहता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए तो भी मेरा शरण स्थान और मेरा बल बदलेगा नहीं। सृष्टि को बनाने वाला, शून्य से सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरा बल है, मेरा शरण स्थान है। इसलिए कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है, मेरा शरण स्थान है, मुझे संकट में हमेशा मेरा सहायक बना हुआ है। इसलिए हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन में, ये बाइबल में जो लिखा गया है वो विश्वास करें। वचन कहता है कि हमारे घर में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगा, तो हम वो विश्वास करें मेरे प्रिय लोग। पहला चीज़ हमें जो करना है वो विश्वास है। विश्वास किसे आते हैं? सुनने से आते हैं। सुनना मतलब परमेश्वर का वचन सुने। हम क्या सुनते हैं वो बहुत प्रमुखता है मेरे प्रिय लोग, उसमें बहुत प्रधानता होती है। हम दुनिया की चीज़ों को ना सुन के परमेश्वर के वचन को सुने। शायद हम सुबह एक बार वचन पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया और शायद एक मॉर्निंग मैसेज सुन लिया, वो काफी नहीं है मेरे प्रिय लोग। हमेशा परमेश्वर का वचन हमारे कान में होना चाहिए। जितना हमारे परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे, उतना ही हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे आत्मा के मनुष्य को परमेश्वर के उस वचन से हमारा जीवन भरेगा, तो हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन से भरता है। जब परमेश्वर के वचन से भरता है तो हम डरेंगे नहीं। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि हमारा परमेश्वर शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है, इसे संगीतकार कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं। तो पहला जो स्टेप है वो विश्वास करें, उसके बाद दूसरा हम उसको देखें कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर में मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता है, मेरे संकट में मेरे से सहज से मिलने वाला है। हालेलुया। सहायक। तो हम ऐसे बीच बीच में जब कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो, घर में हो, ऑफिस में हो, तो ये जो वचन है उसको हम देखें मेरे प्रिय लोग। वो देखना ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है और उसको देखें भी। हालेलुया। क्या देखना है? कि परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है, हमें उनमें सुरक्षित रखा है, चारों तरफ से हमें घेरे रखा है। हालेलुया। हमारा ढाल बनकर हमें सुरक्षित रखता है। ये चीज हम अपने हृदय के आंखों से देखें मेरे प्रिय लोग। हम देखें कि परमेश्वर ने हमें
ढाल, हमारे चारों तरफ एक ढाल बांधकर हमें संभाले रखा है। और फिर हमें क्या करना है, हमें इस वचन का घोषणा करना है। जो विश्वास किया है, जो हृदय में देखा है, वो जब हम वचन की ओर पे हम आवाज ऊंचा करके जब घोषणा करते हैं तो वो पूरा होता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए कोई भी परेशानी आए तो जो विश्वास किया है, जो देखा गया है, उसको आप घोषणा करें कि मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी उलट पुलट हो जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं। इसलिए याद रखें ये चीज़ों को, हम विश्वास करें, हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने वाले हो, ताकि हमारा विश्वास बढ़े और फिर हम उसको हम हमेशा हमारे मन में रखें और घोषणा करें। हम अपने हृदय की दृष्टि से देखें, हम जैसे कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो हम वो देखें मेरे प्रिय लोग कि परमेश्वर हमें कैसे चराता है, कितने अद्भुत तरीके से हमारा चरवाहा बनकर हमें संभालता है। इसको जब हम देखते हैं और जब हम घोषणा करते हैं तो वो हम अपने जीवन में उसके आशीष को हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। इसको अपने जीवन में अभ्यासित हम करें, प्रभु हमें असाधारण तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये महीना प्रत्येकता क्या है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें उत्थान करेगा, दिव्य उत्थान में हमें लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए उस ऊंचाई में जब परमेश्वर हमें लेके जाते हैं, परमेश्वर की हम महिमा करें और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन।